सत श्री अकाल, जय जयते, नमस्कार, जय जयते सभी को मेरे हरा भरा दुनिया में वेलकम। तो आज रायमना नेशनल पार्क से मैं जा रहा हूँ उल्टापानी रिजर्व फोर्ट। तो आज का जर्नी है तकरीबन 65 किलोमीटर। देखते रहिए इन बिटवीन रास्ते में मुझे क्या मिलता है। दिन का शुरुआत एक करक चाय पीने से तंदुरुस्ती आ जाता है। बिरिंदा जय थैंक यू। और उसके बाद मैं चल दिया मेरे अपने मंजिल की ओर। भगवान हम सबजन मानते हैं और रास्ते के किनारे माँ महामाया का दर्शन करके अपना यात्रा सही जाए ये प्रार्थना करके मैंने पैदल मार दिया। ठिकाना कहाँ खबर है नहीं, फिर भी बंजारा घूमे बंजारा घूमे। साइकिल जर्नी में मैं जिस दुकान नुक्कड़ पे रुका था तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा आके मेरे साथ बात किया, तो ये मुझे अच्छा लगा कि जर्नी में हर कोई मुझे आके मुझे अपना समझ के बात की। पाटगांव, अभी पहुंचूंगा मैं पाटगांव। जिंदगी ने मुझे दिया बहुत से मौका, लेकिन हर मौके पे मुझे मिल गया है सज्जन से धोखा। उस धोखे ने किसी ने मारा चौका और मैं बन गया बोका। गरम गरम रोटी के साथ गरम गरम सब्जी। जब भी उल्टापानी आता हूँ, बिस्कुनी में एक दुकान है जो पूरा पॉइंट में है, वहाँ पे रोटी या पूरी जो भी है खा के जाइएगा, क्योंकि इतना स्वादिष्ट बनता है। एक बार खाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा इसका स्वाद। सिंपल रहता है, मसाला कम, तेल कम, बहुत अच्छा लगता है। रोटी रोटी का सब्जी कहाँ, खबर है नहीं, फिर रायमना नेशनल पार्क से 30 किलोमीटर साइकिल राइड करके मैं पहुंचा अभी उल्टापानी रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिपू सीरांग करके कहा जाता है। वो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है और मानस नेशनल पार्क और रायमना नेशनल पार्क का ये कॉरिडोर एरिया है। फिलहाल मैं उल्टापानी रिजर्व फॉरेस्ट के बिल्कुल गेट पे हूँ और सीधा जो रास्ता है उल्टापानी रिजर्व फॉरेस्ट मतलब उल्टापानी गांव और सरोलपरा तक जाता है सीधा। तो ये जो पूरा पैच है, पूरा 22 किलोमीटर जंगल है और ये एलिफेंट रिजर्व है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये एलिफेंट रिजर्व में क्या निकल सकता है। मैं तो ठहरा साना हाथी मतलब स्मॉल हाथी, और मेरा ऊपर वाला बड़ा वाला हाथी अगर मिल जाता है तो मेरा नसीब खुल जाएगा कि मुझे हाथी देखने को मिल गया। तो इस दौरान आज मेरे आंखों के सामने अगर दिख गया तो आपको भी दिखा सकता हूँ। और ये जो 22 किलोमीटर रास्ता है ये मेरे लिए भी एडवेंचर है, आपके लिए भी एडवेंचर है, क्योंकि मेरे ज़रिए आप देख सकते हैं ये 22 किलोमीटर जंगल। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओ, साइकिल लेके जाना है, भूल ही गया मैं, पैदल ही जा रहा था। चलो तक कोई भी नहीं है रास्ते पे और साथ में बारिश,
बारिश के बूंदों के साथ मैं और मेरा साइकिल जंगल के सन्नाटे के बीच में अपने आप से बातें किया और अपने आप को महसूस किया। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो अकेले इस प्रकृति का मजा ले पा रहा हूँ। कुछ दूर आने के बाद हाथी का पोती देख के हाथी दिखा लेकिन फाइनली मैं उल्टापानी पहुंच गया हूँ। उल्टापानी में मेरा एक होम स्टे है, मतलब मेरा नहीं है, यहाँ का एक नेपाली आदमी का है होम स्टे, तो यहाँ पे हूँ मैं। हाँ क्या बताऊँ, आते समय ऐसा कुछ हादसा हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हादसा आपके साथ हो और किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो। मैं साइकिल लेके जब आ रहा था, हाँ तो इनका ही एक लड़का है, तो साइकिल लेके जब हमें आ रहा था तो एक ब्रिज पे मैंने रुक गया, बटरफ्लाई देख के मैं रुक गया था। तो तभी एक बाइकर आया, बाइकर आके मुझे बोला कि सामने हाथी है, संभल के जाओ। तो मैं हाफ एन आवर रुक गया वहाँ पे। तो उसके बाद हाफ एन आवर के बाद दूसरा एक बाइक वाला आया, तो उनको पूछा जो हाथी है क्या, उन्होंने बोला हाथी नहीं है। तो ठीक हाथी नहीं है तो चलता हूँ। तो जब मैं आफ्टर 5 किलोमीटर या आफ्टर 5 किलोमीटर जब मैंने साइकिल चला के आया, देखो मेरा सडनली मैंने देखा एक मेरे साइड में एक हाथी है। तो मैंने कैमरा निकाला ऐसे नॉर्मली क्लिक करने के लिए, जब भी क्लिक करना चाहता हूँ देखा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और एक हाथी है, मतलब मेरे 10 कदम दूरी पे कि जंगल है, दूर से दिखता नहीं लेकिन जब पास आते हैं ना तो बराबर दिखता है वो। तो मैं तो डर गया क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड में हाथी और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हाथी। तो हड़बड़ी में मैं साइकिल तेज चलाना शुरू कर दिया, तो उसके बीच में क्या हो गया, मेरा जो बेल्ट है कैमरा का टूट गया। टूटने के बाद वो कैमरा नीचे गिर गया, पानी पे भी गिरा। तो वो दो हाथी देख के थोड़ा सा आगे जाके देखा, हाथी का पुकार ऐसे चिल्ला रहा था जो मानो कि मेरे आजू बाजू ही है, कभी भी वो निकल सकता है मेरे आंखों के सामने। तो मैं पूरा तेज आया। थोड़ी देर के बाद आके देखा मेरा लेफ्ट हैंड साइड दूसरा एक हाथी पेड़ तोड़ रहा है। तो वो देख के पूरा अंदर से डर गया, वो देख के मैं टोटली शॉक एंड टोटली डर गया। तो उसके बाद मैंने वीडियो या कुछ भी नहीं किया, सीधा आया और कैमरा तो गया मेरा, उसी वजह से मैं सैड हूँ। खाने के बाद खाना खाया, साइकिल को रिपेयरिंग किया, उसके बाद इधर उधर टहला, लेकिन कुछ मतलब मन अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा पार्टी तो ये सब बच्चा पार्टी है यहाँ पे मेरे साथ। तो फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि फर्स्ट रीजन है तो मेरा डर। अभी भी मेरा धड़कन ऐसा हार्ट बीट हो रहा है कि अब मानो कि वो अगर लम्हा में याद करता हूँ तो मेरा रूह, शुक्र करो कि मैं वहाँ से बच के यहाँ तक आया। जो मेरा एक्सपीरियंस है आज का हाथी के साथ पंगा, हाथी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए ये हमेशा याद रखूँगा मैं, क्योंकि साइकिल लेके जब मैंने साइकिलिंग किया था उल्टा पानी के लिए तब हाथी आया था। सुबह हुआ तो निकल आया उल्टापानी के लोकल बाज़ार में। ये एक छोटा सा बाज़ार है उल्टापानी गांव में, जिसमें बोडो नेपाली आदिवासी और राभा ट्राइबल लोग यहाँ पे आते हैं और बाजार वगैरह करते हैं। बोडो भाषा में क्या बोला आई डोंट नो।
মোরাপাট নহয় আ মোরাপাট না জিন্দাবাদ মোরাপাটা মোরাপাটা মোরা নাই দন ঠিকই আছে দন জিন্দাই আছে দেখুন সেউজিয়া হই আছে আরে মোরাপাট বলি কয় মোরা মানে তো মান মোরা বা বসু মোরা জিন্দাবাদ ও এটা কি ফুলাথা লাগলে ল বাইদেউ ভিডিও কৰো এটা হাঁহি দিয়ক এটা হাঁহি দিয়ক এতে ये हमारे दीदी बीजी है वो फिल्म देख रही है देखिए देखिए हंसी उसके पागल होती है जब भी आता हो इनका हंसी बिना सुने में जाता भी नहीं मतलब बाइला मेरे नसीब में है इनका हंसी देखते हैं छोटा कपड़े का दुकान है इनका यहाँ पे आपको बोरो एथनिक कलेक्शन मिल जाएगा बोरो का उल्टा बनी बाजार में इनका दुकान है दीदी आपका नाम बता दीजिए मतलब हाई सोम्पा जो हस्ती है उसको ना उसका नाम तो रहता है हाई सोम्पा तो इनका भी नाम है हाई सोम्पा আমার সহ সরল বরল মনের হাসি আরে টাকা বা দোষ কানছে জুতলি আর বাকি গুলার দাম ভাই ওয়াসকোট খানোর দাম 800 আট টাকা আট টাকা আট টাকা আট টাকা